नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य यदि दशम भाव में हो तो उसके क्या फल निकलते हैं, वो कितने शुभ फल दे सकता है और कहां जाकर वो अशुभ फल दे सकता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों जैसे कि मैं आपको लिख करके समझाती हूँ, मतलब कि बना करके समझाती हूँ कि कैसे देखें अपनी कुंडली में दशम भाव। अपनी कुंडली खोल लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। दोबारा बना देती हूँ ताकि एक एक भाव आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। दोस्तों गलती हो गई, ये देखिए। दोस्तों ये कुंडली का फर्स्ट भाव होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ और ये होता है दशम भाव, टेंथ हाउस। इसमें राशि चाहे कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दसवां भाव ये होता है। और आज हम इस भाव की बात कर रहे हैं, इसमें यदि सूर्य बैठा हो उसके परिणाम क्या निकल करके आते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, दान पूर्ण करने वाला। ऐसा व्यक्ति मंदिर बनवाता है, धर्मशालाएं बनवाता है और कुएं खुदवाता है। ऐसे व्यक्ति को संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्ति की संतान किसी ऊंचे पद को प्राप्त करती है और नेम फेम को भी प्राप्त करती है। ऐसा व्यक्ति खुद ही एक नेम फेम प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है और सरकार के किसी ऊंचे पद पर होता है, यानी कि पॉलिटिक्स में भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है। यदि दशम भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों को दान करने वाला होता है। यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति होती है वो दिग्बली होती है, यहाँ पर सूर्य दिग्बली होता है, जिस वजह से वो यदि व्यापार करे तो व्यापार में भी खूब नाम कमाता है, खूब धन कमाता है। दशम भाव का सूर्य आपको कई लाभ करवाता है, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति की कई गाड़ियां और घर भी होते हैं। गाड़ियां भी ऐसे व्यक्ति के पास लग्जरियस गाड़ी होती है और मकान और जो कम घर होते हैं वो भी बंगले टाइप होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं ऐसे व्यक्ति के जिसके दशम भाव में सूर्य हो। ऐसा व्यक्ति अपने पिता का भी बहुत प्यारा और दुलारा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का पिता अच्छे पद पर होता है, अच्छी सरकारी नौकरी या फिर बहुत ही फेमस पर्सन होता है ऐसे व्यक्ति का पिता, और यहाँ पर ये लोग अपने पिता से बहुत लाड़ प्यार प्राप्त करते हैं। दोस्तों दशम भाव का सूर्य आपको बुद्धिमान बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, बहुत चतुर होते हैं ऐसे व्यक्ति। दशम भाव का सूर्य आपको बोलने में भी बहुत एक ठाट होती है ना, जैसे कि बोलने में कि यार ये कैसे बोलता है, ऐसे एकदम ठाट पना आना, ऐसे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जिनके दशम भाव में सूर्य होता है। ऐसे व्यक्ति का अट्रैक्शन पावर भी बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करता है। दशम भाव का सूर्य प्रचुर मात्रा में धन तो दिलवाता ही है, लेकिन उसके साथ नेम फेम भी दिलवाता है, और नेम फेम भी ऐसा जो आज आया वो कल नहीं, वो हमेशा के लिए रह जाता है। धन आज आया ये नहीं कि आज आया तो कल नहीं है, हमेशा के लिए रहता है ऐसे व्यक्ति के पास धन। ऐसा व्यक्ति हर कार्य में बलवान होता है। कई लोग इन लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, ऐसे लोगों की हर जगह तारीफ होती है,
हर जगह इनके मान सम्मान होता है, हर जगह इनको पहले से ही पूछा जाता है, हर कार्य में इनकी राय ली जाती है। दशम भाव का सूर्य आपको हर क्षेत्र में प्रगति प्रदान करता है। दशम भाव में जिसके सूर्य होगा वो हर कार्य क्षेत्र में सफलता पाएगा, लेकिन यदि ये किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो या फिर युति करे तो इन परिणामों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर बैठ के शनि देख ले, यहाँ पर शनि के साथ युति हो जाए, राहु के साथ युति हो जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमियां आ जाएंगी आपके मान सम्मान में। आप घमंडी हो जाएंगे, यानी कि जो आपको मिला आप उसके लिए घमंडी हो जाएंगे, और लोग वो कहीं फेम डी फेम में बदल जाता है, यानी कि आपकी इंसल्ट होने लगती है, यानी कि मिलेगा सब कुछ लेकिन डी फेम में आपको साथ के साथ मिलेगा। तो जब भी आप यहाँ पर अगर अपना सूर्य देखें, आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, तो ये देखें कि उसके साथ किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि या युति ना हो। आपकी कुंडली में यदि ये योग बनता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दशम हाउस के सूर्य के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।